हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मालपुआ। मालपुआ हमें बनाना है केले से। हम यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। और दो मैंने केला ले लिया है और 1 कप गेहूं का आटा है। इसी कप से मैंने 1 कप सूजी ले लिया है और 3 मैंने छोटी इलायची के बीए नील ले लिए हैं निकाल के। तो अब इसको हम क्या करेंगे ना कि मिक्सर जार में हम पीस लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, केले को छील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम मिक्सर जार में रख लेते हैं। तो मैंने केला डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची, फिर इसमें हम डाल देते हैं सूजी। हमें एक ही चीज से नाप के लेना है, चाहे आप कप से नाप लें या कटोरी से नाप लें। जितना आप आटा लेंगे ना उतना आपको ये लेना है, सूजी लेना है। तो इसी कप से मैंने 1 कप चीनी ले लिया है और इसको हम क्या करेंगे ना मिक्सर जार में पीस लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं दूध। इसी कप से मैंने दूध भी ले लिया है। तो अब इसको क्या करेंगे ना मिक्सर में पीस लेते हैं। इसमें हमें ना इनो डालना है और ना मीठा सोडा डालना है, हम ऐसे ही बनाएंगे। ये केले से बनता है तो बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से ये बैटर बन गया है, तो देख सकते हैं। और ये ना बिल्कुल इसका एकदम सॉफ्ट मालपुआ बनता है। तो होली पे तो बहुत लोगों के घर पे ये बनता है मालपुआ। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं ना, एक बाउल में निकाल लेंगे, किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं इसको आप। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बना है। तो इसे है ना हमें फेंटने उठने की जरूरत नहीं है, बिना मेहनत का ये बनेगा और बिल्कुल 5 मिनट में मालपुआ बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं 5 मिनट के लिए रख देते हैं ऐसे, उसके बाद से बनाते हैं। तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब इसमें हमने एक ऐसे करछी ले ली है। आप करछी या कटोरी या हाथ चलने का डर रहता है तो आप ऐसे ही करछी वर्छी ले लीजिए। और इसमें हम ना ऐसे करके डाल देते हैं तो ये बिल्कुल फूला फूला बनता है। तो यहाँ पे मैं पहले एक ही बना के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं अब हमें एक ऐसे ले लेना है छन्नी और इसको ऐसे हम तेल को ऊपर से डालेंगे। तो देख सकते हैं इतना अच्छे से फूल रहा है। और इसमें हमने बेकिंग सोडा और इनो का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से फूला है। और इसको हम क्या करते हैं पलट देते हैं दूसरी साइड से। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और मैंने ना एक ऐसे ले लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल रहता है ना वो अच्छे से निकल जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा तेल रहते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है केले का मालपुआ बन के तैयार है। तो ये देखिए ऐसे हमें सबको बना लेना है थोड़ा थोड़ा करके। और मैंने एक साथ 3 बना रही हूँ। तो देख सकते हैं इतना अच्छे से फूल के हो रहा है। ये देखिए हमारा मालपुआ बन के तैयार हो चुका है। और इसको हम थोड़ा सा ना बादाम से और पिस्ते से थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे भी कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए मालपुए के अंदर माल पानी सब भर गया है। तो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हैप्पी होली।